Dear student, this is another video of the chapter admission of a partner. बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये सिखाया था कि जब नया पार्टनर कैपिटल आता है तो उसके कैपिटल के बेस पर पुराने पार्टनर्स की क्या निकालते हैं, कैपिटल निकालते हैं। तो इसकी दो सिचुएशन बताई थी करवाई, लेकिन एक ही थी कि इसमें कि वेन इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर एंड दे विल विड्रॉ और ब्रिंग द कैपिटल इन टू द बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि जब नया पार्टनर आता है उसके बेस पर पुराने पार्टनर की कैपिटल निकालनी होती है, कोई पार्टनर ब्रिंग करता है, कोई विड्रॉ करता है। अभी भी एक क्वेश्चन ऐसे ही कराने जा रहे हैं जिसमें वो विड्रॉ या ब्रिंग करते हैं, और एक क्वेश्चन और अलग कराने जाऊँगी वो अभी बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 डीके गोयल की बुक का। पहले आप क्वेश्चन को समझ लो। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। ए भी दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5:2:5 है। देयर बैलेंस शीट एज ऑफ 31/12/2018 वाज एज फॉलोस। बैलेंस शीट के अंदर हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जनरल रिजर्व है, पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस अमाउंट दे रखे हैं। एसेट साइड कैश एट बैंक है, सैलरी डेटर्स है, उसमें माइनस करके प्रोविजन दिखाया हुआ है, स्टॉक है, ट्रेडमार्क्स है, बिल्डिंग है। आगे लिखा दे एग्री टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी नया पार्टनर आया, कुछ टर्म्स हैं। नंबर वन, सी विल ब्रिंग 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 2/9 शेयर के लिए आएगा, एंड ही विल ब्रिंग 50,000 इज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। अंडरलाइन करो इस लाइन को कि वो कहता है कि कैपिटल एंड गुडविल को मिलाकर टोटल 50,000 आएगा। नंबर टू, गुडविल ऑफ द फार्म विल बी कैलकुलेटेड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर दैट इज गिवन 40,000, 40,000, 50,000 एंड 65,000। हमें क्या करना है, चारों ईयर के प्रॉफिट को ऐड करके 4 से डिवाइड करना है, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट हमें दे रखा है 14,000 है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो तो क्या निकलता है, सुपर प्रॉफिट। तो वैल्यू गुडविल का फार्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमारी पार्टनरशिप फॉर्म की गुडविल आ जाएगी, उसमें से हम सी का शेयर 2/9 निकाल देंगे। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो विड्रॉ कर लिया गया पार्टनर्स के द्वारा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, 15% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज ए प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। कि जनरल रिजर्व का 15% हमारा प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पर। अब आप देखिए जनरल रिजर्व हमारे कितने हैं, 10,000, उसका 15% 1500 हम प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन हमारा बेटा पहले 1000 बना हुआ है, 500 हम और बना लेंगे। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ कि जो हमारा जनरल रिजर्व 8500 बच जाएगा वो पार्टनर में ओवर रेशो में बांट देंगे। अगला है आउटस्टैंडिंग सैलरी भी इंक्रीज टू 16,000। हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले 4,000 अब बढ़कर 16,000 हो गई, तो 12,000 बढ़ गई, जो कि हमारा लोस है, रिवेल्यूशन की डेबिट में आ जाएगा और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड 16,000 लिख देंगे। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25%, स्टॉक हमारा 25% ज़्यादा लिखा गया है, मीन्स 40,000 × 100 अपॉन 125 करेंगे, क्योंकि 25 ज़्यादा लिखा गया है, तो उसको कम करने के लिए हम 2 स्टॉक ले देंगे रिवेल्यूशन की डेबिट में और बैलेंस शीट के ऐसे में स्टॉक में से माइनस कर देंगे। एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 25%, बिल्डिंग कम लिखी गई है, 75,000 × 100 अपॉन 75 करेंगे। 75 क्यों, क्योंकि हमने कम लिखी है तो उसको बढ़ाना है, 100 की वैल्यू लिखनी है, तो 100 अपॉन 75 हो जाएगा। जो अमाउंट आएगा वो हमारा बाय बिल्डिंग आ जाएगा रिवेल्यूशन की क्रेडिट में और बिल्डिंग पे प्लस हो जाएगा। ट्रेड मार्क्स भी रिटर्न ऑफ OFFO बाय 50%, 50% कम करना है, 8,000 का 50% 4,000 होता है, रिवेल्यूशन की डेबिट में आ जाएगा। टू ट्रेड मार्क्स और बैलेंस शीट के असर में ट्रेड मार्क्स में से हम 4,000 माइनस करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर विल बी 4:3:2 दे रखी है। न्यू रेशियो और कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश एज अ केस मे बी। उन्होंने कहा कि हमें सी के बेस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को रिवाइज करना है, कोई पार्टनर ब्रिंग करेगा, कोई विड्रॉ करेगा। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म, हमें अकाउंट्स बनाने को कहा गया और बैलेंस शीट बनाने को कहा गया। बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें हमारे जो पार्टनर हैं उनका नाम है ए और बी, ठीक है, इनकी ओवर रेशियो 3:2 दे रखी है। इसमें क्या आया है, नया पार्टनर आया है जिसका नाम है सी, एंड न्यू रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो दैट इज गिवन 4:3:2। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज सेक्रीफाइस,
that is old minus new, 3 by 5 minus 4 by 9, LCM will be 45. ये मैं सेक्रीफाइस क्यों निकाली, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो में ही गुडविल मिलेगी इनको. 9 3 27 5 20 7 by 45. अब बात करो बी इज सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस कितना आएगा, 2 by 5 minus 3 by 9, ऐसे 45 दे रखा है, 18 minus 15 3 by 45. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी आ जाएगी 7:3, 7:3 ए बी की, ठीक है, 7:3. इसी में हम उनको गुडविल बांटेंगे. अब इसमें हमें गुडविल निकालनी है, तो आप लिखिए एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स फॉर नंबर ऑफ इयर्स. टोटल प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. पहले यहाँ 30,000, फिर है हमारे पास 55,000, 60,000 और 40,000. फर्स्ट 40,000 प्लस 40,000 प्लस 55 प्लस 60 65 अपॉन 4, ठीक है, 2 lakh upon 4, 50,000 आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है बेटा. उसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फार्मूला पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट हमारा 50,000 आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे 14,000 दिया हुआ है, उसमें से माइनस कर दे तो 36,000 आ गया. 36,000 सुपर प्रॉफिट है और वैल्यू ऑफ गुडविल 2.5 कर दिया. वैल्यू ऑफ गुडविल का फार्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. 36,000 इंटू 2.5 मीन्स 5/2, ये आ जाएगा 90,000 पूरी फर्म की गुडविल आपने. इसमें हमने किसको देनी है, उसका शेयर निकाल लो, सीज शेयर 2/9 है. 90,000 का 2/9 20,000 आ जाएगी, ठीक है. अब आपको एक बात बतानी है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल जो है वो कितने लेके आया है, और टोटल 50,000 लाया है, जिसमें क्या कहते हैं 50,000 में कैपिटल और गुडविल दोनों मिलाकर है. तो यानी कि अगर गुडविल 20,000 है तो कैपिटल 30,000 आ जाएगी. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब हम क्या निकालेंगे, सी के बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल निकालेंगे. ये भी वर्किंग नोट हम कर लेते हैं, टोटल कैपिटल. अब आप लिख लीजिए सी इज कैपिटल. हमारी टोटल जो है 50,000 लेके आया है, वो जिसमें से 20,000 की वो गुडविल लेके आया है, तो यानी कि वो कैपिटल कितनी लाया, 30,000 लाया, ठीक है. अब आप देखो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, न्यू फर्म की कैपिटल दी हुई है, सॉरी निकाली है इसके बेस पर 30,000 इंटू कितने हिस्से के लिए आएगा, देखिए बेटा 2/9 के लिए तो पूरी फर्म की 9/2 हो जाएगी, 1,35,000 पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी. हम बांट देंगे ए बी में, ए इज कैपिटल, सी का निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि सी का वही आएगा इन द न्यू फॉर्म. और निकालिए न्यू रेशो भी बना था क्वेश्चन में, हमने उसे बेस पर निकाली नहीं है. क्यों निकाली, क्योंकि हमें ये देखना है कैलकुलेट करके कि कौन रिन्यू करेगा, कौन न्यू फॉर्म. पार्टनर का नाम है ए, ए का जगह 1,35,000 का न्यू दी हुई है रेशो, दैट इज 4/9. ठीक है. अब बात करें हम बीज कैपिटल इन द न्यू फॉर्म, इन द न्यू फॉर्म 1,35,000 इंटू, देखिए उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 3/9, 45,000. अब ये चाहिए हमें
अब चाहिए जब बेटा मैं कैपिटल अकाउंट से फॉर्म मिला तो यार मेरे में पहले भी 60,000 दूसरे भी 45,000, इसलिए आप 3 लाइनें छोड़ दो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या क्या बनाने को कहा गया है, हमें क्वेश्चन के अंदर एक तो बोला लेजर अकाउंट, लेजर में क्या आएगा, एक तो डिविडेंड अकाउंट आएगा, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आएगा, तो आप बनाइए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फॉर्मेट सबको आता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस आते हैं, फिर हम इधर बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड सारे गेन्स आते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर हम सारे गेन्स को लिखते हैं, गेन्स को इनकम को। अब आप डेबिट साइड सारे लॉसेस देखिए, आप देखिए हमारे पास लॉस क्या है, हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बढ़ गया है, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे क्या है, लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो हमारे लिए लॉस है, पेमेंट करनी पड़ेगी, हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले 4,000 थी, अब बढ़कर 16,000 हो गई है, यानी कि कितनी बढ़ गई है हमारी, 12,000 बढ़ गई है। अब मैंने वो नहीं लिखा, जनरल जॉब का कुछ जो प्रोविजन बनाना पड़ेगा वो नहीं लिखना, पता है क्यों नहीं लिखना, क्योंकि जनरल जॉब हमारे पास पड़े उसी में से मैंने प्रोविजन बनाया, स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, ओवर वैल्यू का मतलब ज़्यादा लिख दिया, टू स्टॉक आ जाएगा, उसको कम करना है हमने, स्टॉक देखिए हमारे पास कितना 40,000 है, कितना ज़्यादा लिखा गया, 25 ज़्यादा लिखा गया, तो यानी कि हमने 125 लिख दिया, लिखना था 100 लिख दिया 125, तो 125 से डिवाइड करिए 100 से मल्टीप्लाई, 32,000 लिखना था हमने 40,000 लिख दिया, तो कितना ज़्यादा लिख दिया, 8,000 ज़्यादा लिख दिया, उसको कम कर दो 8,000, ठीक है, चाहे आप देख ही सकते हो 42,000 का अगर हम 25% करते हैं, 25% सॉरी 100/125 करते हैं, क्यों, क्योंकि 125 लिखा गया है, लिखना 100 था, ठीक है, तो यानी हमने ज़्यादा लिख दिया है, तो आपने कम करना है, तब टू स्ट्रोक आ गया, ऐसी बिल्डिंग ओवर वैल्यू का, अंडर वैल्यू का मतलब था बिल्डिंग कम लिखी गई है, तो उसको बढ़ाना है बाय बिल्डिंग अकाउंट। अब आप देखिए बिल्डिंग है कितनी, आपके पास 75,000 है, अंडर का मतलब कम लिखी गई है, यानी कि 100 में से 25 माइनस करके 75 लिखी गया, हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना है, 1,00,000 लिखना था, 75,000 लिखा गया, 25,000 बढ़ा दो, ये पॉइंट दोबारा हम जा रहे थे कि बच्चे गलती करते थे, स्टॉक 40,000 लिखा गया जो कि अबव कॉस्ट था, अबव लिखा गया, ज़्यादा लिखा गया, 125 लिखा गया, लिखना 100 था, तो हमारा 32,000 लिखना था, 40 लिखा गया, तो हमसे ज़्यादा लिखा गया, 8,000 हमने कम कर दिया, और जो बिल्डिंग है वो हमारी 75,000 लिखी गई है, जबकि 25% लेस लिखी गई है, ज़्यादा लिख नहीं थी, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 75 से मल्टीप्लाई, तो 1,00,000 लिखना था, 75 लिखा गया, 25,000 हमने और बढ़ा दिया। उसके बाद हमारे जो ट्रेडमार्क हैं वो क्या हो गए, कम हो गए हैं, टू ट्रेड मार्क्स कम करने, रिटर्न ऑफ करने 50%, हमारे ट्रेड मार्क्स देखो बेटा 8,000 50% कितना बन गया 4,000, कम कर दो, समझ आ गए। उसके बाद हमारे पास कोई भी पॉइंट्स नहीं है लिवरेशन का, तो हम इसका प्लस करें, 44,000 आ गया, और देखा 25 आया, तो अब इधर का ज़्यादा है, तो यहाँ लिखो 25,000, यहाँ पर लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इसको ट्रांसफर करेंगे जो ओल्ड पार्टनर है, टू पार्टनर का नाम क्या है, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। अब हम जो 1,000 का जो डिफरेंस आया है वो पार्टनर ने उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे 25,000, ठीक है, ओल्ड रेशो में पार्टी, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसके बराबर 25,000। अब बात करेंगे जो 1,000 आया उसको हम इनकी ओल्ड रेशो में बांटेंगे, 1,000 का ओल्ड रेशो कितनी है, 3/5 600 आते, दूसरे का 400 आते, ये हम डालेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, समझ आ गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको बेटा फॉर्मेट पता ही है इसका,
कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। हमारे पार्टनर का नाम जो है ए बी और सी में यहाँ आया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस प्रोडाउन। ए की कैपिटल 50,000 दी हुई है, बी की 30,000। ये कहाँ दी हुई है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दी हुई है। अब बाय बैंक अकाउंट ये क्या है, जो सी नया पार्टनर 30,000 कैपिटल आया वो लिख दी। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो हमारा पार्टनर लेके आया है 20,000 की गुडविल, वो 7/10 और 3/10 में बांटी। 7/10 में बांटी तो 14,000, 3/10 में बांटी तो 6,000। रिवेल्यूशन का प्रॉफिट डेबिट साइड आया था ना, कहाँ पर रिवेल्यूशन अकाउंट में, वो रिवर्स जाएगा बाय रिवेल्यूशन अकाउंट, पहले का 600 दूसरे का 400। फिर हमारे पास जनरल रिजर्व जो पड़े थे 10,000, उसमें से हमने 15% निकाल दिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। तो हमने क्या करना है, जो हमारा 8500 है वो हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया 3/5 to 5, पहले का आगे 5100, दूसरे का आगे 3400। जो ये गुडविल बांटी थी ना, इसका हाफ पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया था। डेबिट साइड हमने लिखा कि बैंक अकाउंट 14,000 का हाफ ले गया 7,000, 6,000 का हाफ 3,000। अब हमने टोटल किया क्रेडिट साइड का 69,700, पहले का दूसरे का 39,800, तीसरे का 30,000 आ गया। ये वाला हमने यहाँ पर लिख दिया 69,700, दूसरे का 39,800, तीसरे का 30,000। अब हमने 69,700 में से 7,000 माइनस कर दिए तो आगे 62,700, 39,800 में से 3,000 माइनस किए 36,800, 30,000 में से कुछ भी माइनस नहीं किया यही आ गया 30,000। अब जो ये कैरी डाउन है उसको हमें ब्रो डाउन बनाना है। बाय बैलेंस ब्रो डाउन, पहले का आगे 62,700, दूसरे का 36,800, तीसरे का 30,000। अब ये मैं क्यों बना रही हूँ ब्रो डाउन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो न्यू पार्टनर है सी, उसके बेस पर हमने पार्टनर्स की क्या करनी है, कैपिटल को रिवाइज करना है। तो ये मैंने आपको निकाल के बताई थी क्यों बैलेंस ब्रो डाउन। ये वो वाली कैपिटल जो नई कैपिटल निकाली थी, पहले की 60,000, दूसरे की 45,000, तीसरे की 30,000। ये मैंने अभी एक स्पेस छोड़ा है, क्योंकि जब पार्टनर विड्रॉ करता है तो टू बैंक लिखना होता है, इसलिए छोड़ा है। अब आपको मैं यहीं पर ही रफ वाला काम थोड़ा सा करके बता देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इनकी जो कैपिटल निकल के आई है ए और बी की, पहले वो भर दो। ए बी, ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल लिखो जितनी हमने अभी निकाली है, एग्जिस्टिंग कैपिटल पहले की आई है बेटा 62,700, दूसरे की आई है 36,800। लेस लिखूंगी मैं रिक्वायर्ड कैपिटल, ये वो कैपिटल जो मैंने पहले आपको सिखाई थी कि इतनी ही निकलेगी। पहले की आई थी 60,000, दूसरे की आई थी 45,000, ठीक है। अब देखते हैं कौन ब्रिंग करेगा और कौन विड्रॉ करेगा। बेटा इसको 60,000 लाने थे, 62,700 लाया, तो ये विड्रॉ करेगा क्योंकि ये ज़्यादा लाया हुआ। दोबारा सुनो, 60,000 लाने थे, 62,700 लेके आए, 2700 जो वो वापस लेके जाएगा। अब ये पार्टनर क्या करेगा, 45,000 लाने थे, 36,800 लाया हुआ है, तो ये ब्रिंग करेगा 50,90,200 ब्रिंग करेगा। मैं चेक कर लेती हूँ, पहले पार्टनर का आया उल्टा माइनस कर, इससे प्रॉब्लम आ रही है, मैं ऐसे करके बता देती हूँ। हाँ, 8200 जो है ये ब्रिंग करेगा। क्यों ब्रिंग करेगा, क्योंकि ये कम लाया है, 45,000 लाने थे, 36,800 लाए थे, ये ब्रिंग करेगा। जो पार्टनर ब्रिंग करेगा तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 8200 हम इसमें लिख देंगे, और जो विड्रॉ करेगा उसमें लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, विड्रॉ करेगा 8,2700, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, पहले का आगे 62,700 वही आएगा बेटे, दूसरे का 45,000, तीसरे का 30,000, ठीक है। हम एक ही सीट में लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे, इसका आ जाएगा 62,700, अगले का 45,000 और तीसरे का 30,000। बेटा अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट उस डेट को बनती है जिस डेट को हमारा नया पार्टनर आया। ये बेटा बैलेंस शीट एज अ 31/12/2018, फॉर्मेट आपको पता ही है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब आप पहले देखिए बेटा, लायबिलिटी साइड सैलरी के एडिटर हमारे क्वेश्चन में 63,000 दिए हुए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, हमने 63,000 ही लिखे। आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा हमारी बढ़कर 16,000 तक हो गई है, पहले 4,000 थी, फिर 12,000 बढ़ गई, इंक्रीज करके हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी 16,000 आ गई। अब लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट्स, ए का 60,000 दे रखा है, जो हमने अभी निकाला था बेटा, जो रिवाइज कैपिटल न्यू कैपिटल निकाली थी,
बी का 45,000 और सी का 30,000, ये सारा प्लस करके आ गया 1,35,000। अब बात करें एसेट साइड हमें कैश एंड बैंक 5,000 दे रखा है, 30,000 की वो कैपिटल लेके आया नया पार्टनर और 20,000 की वो शेयर ऑफ गुडविल लाया है, जिसमें से 7,000 विड्रॉ कर गया है ए पार्टनर और 3,000 जो है बी पार्टनर विड्रॉ कर गया है। 8,200 जो है ये कैपिटल लेके आया था हमारा पार्टनर ए था, शायद मैं एक बार देख लेती हूँ, पार्टनर जो है नहीं बी पार्टनर लेके आया था 8,200 की कैपिटल और 2,700 की ले गया था हमारा ए पार्टनर, प्लस माइनस करके हमारा कैश एंड बैंक आ गया 50,500। अब हमारे संडे डेटर्स बेटा 30,000 दे रखे हैं, लेस प्रोविजन 2,500। ये पॉइंट समझ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास पहले प्रोविजन 1,000 था, हमने 1,500 और बढ़ाया तो प्रोविजन बढ़कर 2,500 हो गया, तो हमारे डेटर रिड्यूस हो गए 27,500। स्टॉक हमारा बेटा पहले 40,000 लिखा गया था जो कि 8,000 ज़्यादा था, कम करना था, 40,000 में से 8,000 माइनस करके 32,000 आ गया। ट्रेडमार्क हमारे 8,000 थे, 50% लेस रिटर्न ऑफ हो गए, 4,000 लेस हो गए, 4,000 आ गया। बिल्डिंग हमारी बेटा 75,000 थी जो कि 25% बिलो लिखी गई थी उसकी वैल्यू से, तो हमने 25,000 जो है इंक्रीज करना है ऐड करके 1,00,000 आ गया, तो ये जो है बेटा दोनों साइड का टोटल 2,14,000 आ गया। बेटा अब मैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 89A समझाने जा रही हूँ, पहले इसको समझ लेना फिर हम इसको करते हैं। डी एंड ई पर पार्टनर ने फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, डी और ई दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 3:4, 1:4 है, ऑन 1st April 2018 दे एडमिटेड एफ एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4th share इन द फर्म व्हिच एक्वायर फ्रॉम डी। कहते हैं 1/4 share के लिए जिसने सारा का सारा डी से एक्वायर किया, तो जो भी गुडविल देगा वो डी को ही देगा फॉर नया पार्टनर एफ। बैलेंस शीट में हमें दे रखा है लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर है, कैपिटल के बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, ऐसा साइड लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स, डेटर में से प्रोविजन 3,000 माइनस हुआ है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, कैश दे रखा है। एफ विल ब्रिंग 40,000 एज इज कैपिटल एंड द अदर टर्म्स एग्रीड अपॉन। एफ नया पार्टनर 40,000 की कैपिटल लेके आया और पूरी फॉर्म में से गुडविल जो है पूरी फॉर्म की 24,000 ही हुई है। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि एफ जो है गुडविल लेके आया है, तो ये 3/4 गुडविल नहीं है, इसके लिए हम कहेंगे एफ करंट अकाउंट डेबिट टू किसको देगा, वो सिर्फ 2D कैपिटल होगा, डी को देगा क्योंकि डी ने सारा सेक्रीफाइस किया है। लैंड एंड बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन हुई है, रिवैल्यूएशन के बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 70,000 है जो कि पहले 50,000 थी, तो 20,000 बढ़ गई, हमें गेन हो गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग आज का रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में, और एसेट साइड हम लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 लिखी हुई। थर्ड पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 800, कि प्रोविजन 800 ज़्यादा पाया गया तो उसको हमें क्या करना है, कम करना है, हमारा फायदा है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम कर देंगे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट में डेटर्स हमारे 40,000 में से प्रोविजन हम क्या करेंगे 3,000 नहीं माइनस करेंगे 2,200 माइनस करेंगे क्योंकि 800 ज़्यादा लिखा गया है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट सुनो, अलेबिलिटी फॉर 2,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू राइज, 2,000 पे करने की जरूरत नहीं जो क्रेडिटर के हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करने क्रेडिटर बाय सेवेंटी क्रेडिटर रिवेल्यूशन में आ जाएगा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में क्रेडिटर 54,000 में से 2,000 माइनस करके 52,000 लिख देंगे। आगे सुनो, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एफ्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू कैपिटल टू द फर्म, कि एफ के बेस पर हमने पार्टनर्स की कैपिटल को रिवाइज करना है, यानी कि न्यू फर्म की कैपिटल निकालनी है, वो आपको आ गई है कैसे करते हैं। लेकिन नंबर 6 पॉइंट अलग है, एक्सेस और शॉर्ट फर्म, कि ज़्यादा या शॉर्ट फर्म का जो कम हो गया इफ एनी टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, कि पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आगे तो हम ब्रिंगिंग इन विड्रॉइंग कैश लिख देते थे, मीन्स बाय बैंक या टू बैंक लिख देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना, क्या करना है, जैसे आपको याद होगा सेकंड चैप्टर में मैंने टू करंट अकाउंट या बाय करंट अकाउंट चलाया था, वैसे ही है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब हम बेटा इसका करेंगे सॉल्यूशन करेंगे 89A का। पहले हमारे दो पार्टनर थे डी और ई, इनकी ओवर रेशो दी हुई है 3:1, फर्स्ट शेयर 1/4 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सारा का सारा सेक्रीफाइस डी ने किया, तो लिखेंगे डी इज सेक्रीफाइस 1/4 सारा का सारा। बी इज न्यू शेयर क्या करेंगे, ओल्ड शेयर 3/4 है माइनस जो उसने सेक्रीफाइस किया डी के लिए, हम लिख देंगे 1/4। ठीक है, उसके बाद हम माइनस करके लिखेंगे आंसर आ जाएगा 2/4। ई इज न्यू शेयर, ई का वही रहेगा 1/4, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप बात करें न्यू रेशो का, डी ई एफ, डी का कितना है बेटा 2/4,
ई का है 1/4, एफ का कितना है 1/4, तो न्यू रेशो कितनी आ जाएगी 2:1:1। ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमने एफ के बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल निकाल के फिर ई और बी और ई में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, बांट देनी है, मतलब कि रेवेन्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, बी इज कैपिटल इन द फर्म इज इक्वल टू एफ कैपिटल इन द फर्म, हमने एफ की कैपिटल दे रखी है दैट इज गिवन 40,000। वो कितने हिस्से के लिए आया है, 1/4 के लिए आया है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल लेते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 40,000 × 4/1, क्योंकि वो 1/4 के लिए है तो पूरी फर्म की 80% हो जाएगी ना, 4/1 करके 1,60,000 आ जाएगी, जो भी हम किस में बांटेंगे, बी और ई में। बी इज कैपिटल इन द न्यू फर्म, अब आप देखिए 1,60,000 का 2/4 कर दो तो 80,000 आ जाएगी पहले की। दूसरे की निकाले अगर हम एफ कैपिटल इन द न्यू फॉर्म, उसकी हम क्या करेंगे बेटा, 1/4 करेंगे, 1/4 तो कितनी आ जाएगी 40,000। अब तीसरे की निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी वही आने वाली 1/4 के 40,000। अब इसमें हम अकाउंट फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड क्रेडिट साइड है। देखिए बेटा हमारे पास पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 थी, वो 70,000 हो गई, तो कितनी इंक्रीज होगी 20,000, जो कि हमारे लिए गेन है। तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 20,000। और हमें दे रखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमारा फाउंड टू बी एक्सेस का मतलब है ज्यादा पाया गया, कितना 800, तो हमें कम करना है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800। उसके बाद हमारा है कि 2000 की ऐसा अमाउंट है जो कि क्रेडिटर में इंक्लूड है, जो पे करने की जरूरत नहीं है, तो हमें फायदा हो गया, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सेंडिंग क्रेडिटर 2000। टोटल हो गया 22,800। डेबिट साइड कुछ भी नहीं था, तो हमने क्या किया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बी कैपिटल और ई कैपिटल, हमारा जो आंसर आया 22,800, जो प्रॉफिट और लिमिटेशन है 3/4 किया तो 17,100 आया, 1/4 किया तो 5,700 आ गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स DEF, पर्टिकुलर्स DEF, ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पार्टनर के नेम के कॉलम में हम रुपीज रुपीज लिखेंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कैपिटल के बैलेंस हम लिखेंगे बाय बैलेंस, प्रोडाउन पहले की कैपिटल 1,00,000 है, दूसरे की 70,000 है। अब जो ई पार्टनर आया वो 40,000 की कैपिटल लेके आया है, बाय कैश अकाउंट लिखा, मैंने कैश वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि बैलेंस शीट की एसेट साइड कैश दिया हुआ है, तो हम बाय कैश अकाउंट लिखेंगे 40,000 की जो कैपिटल आया है। फिर बाय एफ करंट अकाउंट लिखेंगे, मैंने एफ करंट क्यों लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूरी फॉर्म की गुडविल 24,000 दी हुई है, 1/4 हिस्सा निकाले तो 6,000 है, तो इसने सिर्फ डी को दिया और लिखा नहीं हुआ कि वो एबल है या अनेबल है। इट मीन्स हम ये मान के चलेंगे कि वो अनेबल है, क्योंकि जब तक प्रीमियम फॉर गुडविल अवॉर्ड नहीं होता तो हम ये मान के चलते कि पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं ला पा रहा। तो बाय एफ करंट अकाउंट 6,000 सारा का सारा डी को क्यों दिया, क्योंकि डी ने सारा सेक्रीफाइस किया है। अब हमारे को जनरल रिजर्व दे रखा है 32,000 के क्वेश्चन में, बाय जनरल रिजर्व लिख दिए, हमने 32,000 का 3/4 1/4 किया, पहले का 24,000 आ गया, दूसरे का 8,000 आ गया। फिर रिवेलेशन ऑफ प्रॉफिट साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, अपोजिट जाएगा, बाय रिवेलेशन अकाउंट पहले का 17,100, दूसरे का 5,700। अब हमने टोटल किया तो पहले का टोटल आ गया 1,47,100, वो हमने यहाँ पर भी लिख दिया और बैलेंस भी निकाल दिया 1,47,100। अब दूसरे का टोटल किया तो हमारा आया 83,700, तो अब हमने यहाँ भी लिख दिया 83,700 और बैलेंस जो यहाँ पर कैरी डाउन आएगा वो भी लिख दिया 83,700। अब बात करें एफ की, एफ का टोटल 40,000 है, इधर भी 40,000 लिख दिया और यहाँ पर हमने 40,000 लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। अब ये ब्रो डाउन करना ज़रूरी है, इसका रीज़न सुनो, ब्रो डाउन क्यों करना है, क्योंकि हमने कैपिटल को क्या करना है बेटा, रिवाइज करना है, जो कि मैं आपको वैसे रफ में सिखा भी चुकी हूँ। अब ये हमने ये लिख दिया यहाँ पर, अब मैं वर्किंग नोट में ही जा रही हूँ कि जो मैंने आपको सिखाया था, जो कि न्यू कैपिटल थी उसके साथ हमें क्या करना है। अभी ख़त्म नहीं हुई मेरी बात, अभी थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा कि
कौन ब्रीद करेगा और कौन विड्रॉ करेगा वो अमाउंट आपको सिखाना है। पार्टनर का नाम है DEF, तो हम पहले लिखेंगे DEF को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसी के बेस पर हमने किया की है कैपिटल जो है रिवाइज की है एग्जिस्टिंग कैपिटल बेटा वो कैपिटल जो हमारी आंसर्स आए थे एग्जिस्ट कर रही है बिजनेस में ठीक है। पहले की आई थी 47,100 दूसरे की 83,700 फिर मैंने इनकी जो रिक्वायर्ड कैपिटल निकाली थी जिसको हम न्यू कैपिटल कहते हैं वो लिख देंगे रिक्वायर्ड कैपिटल मैंने निकाली थी पहले की आई थी बेटा 80,000 दूसरे की 40,000 ठीक है। मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ पहले की 80,000 आई थी दूसरे की 40,000 आई थी तो अब हम डिफरेंस लेते हैं इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसके आगे हम लिखेंगे करंट अकाउंट। हमें कैसे पता चला करंट अकाउंट क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है ये नहीं लिखा कि दे विल ब्रिंग और विड्रो लिखा कि ओपन करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। अब देखो बेटा ये 80,000 जो है इसने लाने थे ये ले आया 147,100 ज़्यादा लेके आया तो ये लेके जाएगा और वो अभी लेके जा नहीं सकता तो हम इसको क्रेडिट लिखेंगे हमारा क्रेडिटर है हमने इसको पैसे देने हैं। अब बात करो दूसरे पार्टनर की इसका 40,000 लाना था 83,700 लाया है तो ये भी हमारा क्रेडिटर बन गया कि इसको हमने भी देने हैं। दोबारा सुनो बेटा इसको 80,000 लाने थे 147,100 लिया है तो वो लेके जाएगा तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट इसलिए लिखा कि हमारा क्रेडिटर बन जाएगा लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। सेम ऐसे ही 40,000 लाने थे ये बंदा 83,700 ला रहा है तो 43,700 ये लेके जाएगा तो इसके आगे भी मैंने क्रेडिट लिख दिया कि ये दोनों लेके जाने वाले हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू करंट अकाउंट। पहले का आया 67,100 और दूसरे का आया 43,700। आप ऐसे भी लिख सकते थे टू बीज करंट अकाउंट बी के सामने लिखते 67,100 टू ईज करंट अकाउंट उसके सामने लिखते 43,700 या आप ऐसे भी कर दोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर आप वो भर दो जो उनकी कैपिटल आई थी पहले की आई थी 80,000 दूसरे की जो रिवाइज वाली थी 40,000 तीसरे की आई थी 40,000। अब आप इसका टोटल कर दो दोनों एक ही इसी में जब करोगे आप तो जो है यही आएगा ये कैश में ना प्लस होगा ना माइनस होगा इसका लॉजिक ये है क्योंकि वो ना तो लेके आ रहे और ना ही कोई पार्टनर लेके जा रहा है ये लाइबिलिटी साइड आएंगे दोनों के दोनों हमारे क्या बन गए क्रेडिटर बन गए। तो आप लिख दीजिए 147,100 उसके बाद दूसरे का 87,300 तीसरे का 40,000। अब बेटा हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट April 1, 2018 ये कौन सी डेट है जिस डेट को न्यू पार्टनर एडमिट हुआ बिजनेस में। फॉरवर्ड कैश की लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट सबसे पहले आप देखिए हमें क्वेश्चन में लाइबिलिटीज एट सर्दी क्रेडिटर 54,000 दे रखे हैं उसमें से 2,000 माइनस कर दी क्योंकि लिखा पड़ा है 2,000 जो है कैपिटल में जो इंक्लूड है वो पे करने की जरूरत नहीं है तो हमने माइनस करके लिख दिया 52,000। अब बात करें कैपिटल अकाउंट्स की डी का 80,000 ई का 40,000 एफ का 40,000 ये कौन सी कैपिटल है जो हमने रिवाइज की थी जिसको न्यू कैपिटल कहते हैं टोटल आ गया 1,60,000। अब करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है डी और ई का। अब मैंने इस साइड क्यों लिखा क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर है हमने इनको देना है। डी का आया 67,100 ई का आया 43,700 तो प्लस करके आ गया 1,10,800 ठीक है। फिर हम बात करें टोटल की तो आ गया टोटल हमारा 3,23,800। अब हम चले एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग पहले 50,000 थी 20,000 इंक्रीज हो गई इंक्रीज होकर लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू आ गई 70,000। अब बात करें मशीनी की वैल्यू 60,000 थी उसमें कोई चेंज नहीं आया हमने एज इट इज लिख दिया। स्टॉक की वैल्यू 15,000 ही थी उसमें कोई चेंज नहीं आया 15,000 ही थी। डेटर्स हमारे 40,000 है लेस प्रोविजन उस क्वेश्चन में 3,000 दिया हुआ है लेकिन कहा है 800 ज़्यादा पाया गया तो हमें कम करना है प्रोविजन तो 2,200 प्रोविजन करके माइनस करके डेटर्स हमने से प्रोविजन तो आ गया 37,800। इन्वेस्टमेंट हमारे 50,000 ही दे रखे उसमें कोई चेंज नहीं है हमें एज इट इज लिख दिया 50,000। कैश हमें 44,000 दिया हुआ प्लस 40,000 जो क्या लाया वो कैपिटल लेके आया नया पार्टनर वो प्लस कर दिया 84,000। इसमें हमने गुडविल क्यों नहीं ऐड की इसका शेयर क्योंकि वो अनेबल टू ब्रिंग है वो लेके नहीं आए तो एस करंट अकाउंट की करंट अकाउंट क्या है हमारा डेटर है जिसमें हमें शेयर ऑफ गुडविल देना है 6,000 प्लस करके आ गया 3,22,800 दोनों साइड का इक्वल आ गया टोटल ठीक है। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा जिसके अंदर हमने दो क्वेश्चन किए हैं एक क्वेश्चन के अंदर हमें निकाला है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कि कोई बंदा विड्रॉ कर रहा है
कैपिटल और कोई क्या कर रहा है, ब्रिंग कर रहा है कैपिटल को। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी मैंने कराया, जो भी कराया, जिसके अंदर क्या था कि न्यू पार्टनर के बेस पर ही हमने न्यू सॉरी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को निकाला, न्यू रिवाइज किया और हमने ओपन किया है करंट अकाउंट। क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन था कि करंट अकाउंट को ओपन करना है, मीन्स ना विड्रॉ करें ना ब्रिंग करें हैं, हमने ओपन करना है उनका करंट अकाउंट। ठीक है, अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता था वो लाइबिलिटी साइड जाता है, अगर डेबिट बैलेंस होता था वो एसेट साइड जाता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। सेव यू विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।